हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कई कांग्रेस नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया तो मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ने का इशारा कर दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इस संकट को किस रूप में देखते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी हैं। सर, पहले के भी नेता होते थे और कई ऐसे नेता हैं जिनके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ या टिकट नहीं बटा। ये जो राहुल गांधी के पसंद के नेता हैं वो ही क्यों ऐसे बागी स्वर दिखा रहे हैं? देखिए, ये आप अशोक तंवर जी की और संजय निरुपम जी की अगर बात करें तो क्या ये राहुल जी की पसंद के हैं? नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। कोई व्यक्तिगत पसंद हमारे नेतृत्व की क्या है उसमें हम लोग ना टिप्पणी करते हैं ना हमारी रुचि है। ये लोग दोनों कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, इन दोनों का अपना एक वर्चस्व रहा है, इलाके में एक प्रभाव रहा है। संजय निरुपम जी ने बॉम्बे रीजनल कांग्रेस कमेटी में अपना योगदान दिया है, सांसद रहे, अच्छे सांसद रहे, मेरे साथ भी रहे, मेरी मित्रता है। अशोक तंवर जी एक सांसद के रूप में भी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया है। अब पार्टी कमज़ोर है, दोनों उस तरीके से एक उत्कृष्ट रूप से भी सामने उभर कर नहीं आ पाए हैं, तो मैं इन लोगों से ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से आप भी उस तरीके से योगदान नहीं दे पाए पार्टी में, और लोग भी इस समय इस परिस्थिति में क्योंकि पार्टी कमज़ोर है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि इस समय सबको जुड़ के सामने आना चाहिए। जब कोई किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति की संस्था कमज़ोर हो जाती है तो बागी स्वर की जगह अगर आप जुटकर काम करेंगे तो आप ज़्यादा मेहनत से काम कर पाते हैं। और ये कहना कि कोई किसी का कैंडिडेट है कोई किसी का नहीं है, राजनीति में कोई किसी का कैंडिडेट नहीं होता, सब पार्टी के कैंडिडेट होते हैं। लगता है कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि चुनाव के बीच में अगर आप अपने ही लीडरशिप के खिलाफ चुनाव टिकट बेचने का कार्रवाई, तो देखिए बेचने बूचने का आरोप तो इन लोगों पर भी लगा है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अशोक जी के विपरीत जो लोग हैं या संजय जी के खिलाफ जो लोग हैं वो लोग भी पचासों बातें कहते हैं। क्या उनको हमें गंभीरता से लेना चाहिए? इस देश में केवल हमारा जो अशोक का निशान है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, बाकी हमारे यहाँ राजनीति में कुछ भी बोलने की एक आदत है, हर पार्टी में ये आदत है। क्या उस चीज़ को हम लोग गंभीरता से ले लें? लेकिन ये जरूर है कि जब आप इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से कहते हैं तो आप अपना हल्कापन सामने करते हैं, और मुझे निराशा है क्योंकि दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों में लीडरशिप की क्षमता है। अगर आपको समय के कारण कुछ बुरा लग रहा है तो समय बीतने दीजिए, लेकिन समय इस समय कांग्रेस को दीजिए, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को मत दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे, दोनों राज्यों में चुनाव होना है और लोग ये कह रहे हैं अब तो आलोचक कि कांग्रेस से ही लड़ रही है, बीजेपी से तो लड़ ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बयान आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस कहीं इन दोनों राज्यों में बीजेपी से कोई टक्कर ले भी रही है। नहीं, देखिए ये हमेशा होता है, कांग्रेस से लड़ती है, ये बहुत पुराना नारा है, आज से नहीं है। जब दिल्ली में शिला जी के अंदर हम लोग 3 बार जीते थे तब भी हर बार आक्रोश होता था। आपको शायद पता नहीं है या याद नहीं होगा 2002 या 2003 में जब कांग्रेस स्वीप करके आई थी MCD में, तो यही कांग्रेस कमेटी के शीशे तोड़े गए थे कि इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला। मैं उस समय राजनीति में नहीं था लेकिन दिल्ली आया हुआ था, तो प्रदेश का जो ऑफिस था उसका बुरा हाल हो गया था। ये हमारे यहाँ कुछ एक है, थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि और ज़्यादा पार्टियों से भले लोग माने या ना माने, क्योंकि लोग आजकल कांग्रेस के खिलाफ प्रचार बहुत होता है, हम जरा ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ नैसर्गिक नेतृत्व ज़्यादा है। नैसर्गिक नेतृत्व उस तरीके से शासन या अनुशासन में नहीं आता है जिस तरीके से संगठन के अंदर का बनाया हुआ नेतृत्व होता है। कोई कृत्रिम नेतृत्व होता है और हमारा नैसर्गिक होता है, तो नैसर्गिक नेतृत्व हमेशा आक्रोश ज़्यादा प्रकट करता है।